बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शाही कुकिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे खोवा बन। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप लोग को पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं। ये हम ले लेंगे 2 अंडे, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप लीजिए। ये हम 2 एग ले लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच शक्कर लीजिए और 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच ईस्ट लीजिए। ड्राई खमीर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ईस्ट हर जगह मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून यूज़ कर सकते। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप मिक्स कर 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। 2 कप मैदा ऐड कर लीजिए आप और इसे मिक्स करिए। हम इसमें पानी भी ऐड नहीं करेंगे और मिल्क भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये इसमें अंडे हैं, 2 एग डाले हैं और ऑयल, उसी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये 2 कप मैदे के हिसाब से आप बनाइए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से मैदा और एग ले लीजिए। अगर आप चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते, लेकिन हम नहीं किए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर आप इसे 1 घंटे के लिए अच्छा कवर करके एक साइड रख देना है आपको। हम जो ईस्ट डाले हैं इससे अच्छा खमीर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगाइए आप, लगाकर इसे अच्छे से कवर करके रखिए आप। तो ये अच्छे से खमीर हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हम फिर अब चेक करेंगे। 1 घंटा हो गया है, ये देखिए अच्छे से हो गया है, भी इसका खमीर आ गया है इसमें। अब हम इसे बना लेंगे। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी, तो आप बनाइए ज़रूर। ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत ही इजी बन जाएगी। हम ये ओवन में नहीं बना रहे हैं, पैन में हम इसे बेक करेंगे। आप देखिए मैं किस तरह से बेक कर रही हूँ, उसी तरह से इंशाल्लाह आप घर पे आराम से बना सकते हैं। इसे बहुत ही इजी है, ये इस तरह हम बेल कर इसमें हम खोवा भर लेंगे। खोए में हम शुगर मिक्स करके रख लिए थे, शुगर सिर्फ मिक्स करके रखिए आप, शुगर को पकाना नहीं है। इसी तरह हम सारे फिल कर लेंगे। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। इंशाल्लाह आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर आप ट्राई करिए। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह और भी रेसिपी बनाएंगे बिना ओवन के, पैन में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। केक है, कई ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम पैन में बेक कर सकते। ये देखिए हम सारे बना लेंगे इसी तरह, ये बन गए हैं। अब हम इसे कुक करेंगे। हम तवा लिए हैं, चाहे तो आप पैन भी ले सकते, इसके ऊपर हम ये कढ़ाई रख लिए हैं। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते। हम इसे थोड़ा प्रीहीट कर लेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसे रख देंगे, बिल्कुल आप लो फ्लेम पे बनाइए, ये अंदर तक अच्छे से कुक होना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे,
अंदर तक कुक नहीं होंगे। अब इसे कवर करके हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट पहले कुक करिए आप। 5 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे, फिर इसे इस तरह से पलट देंगे। फिर 5 मिनट इसे हम कुक होने देंगे, दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगे ये। इसे कवर करके रख दीजिए आप। फिर 5 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे, ये देखिए ये अच्छे से दो साइड से कुक हो गए हैं, अच्छा सा इसका कलर आ गया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ करके 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है, ये देखिए आप अंदर से बहुत अच्छे से ये पक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है ये, अंदर अच्छे से स्पंजी बने हैं ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।